बेटा अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, ओके? सेकंड मेथड से ही आप इसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे। हम जाते हैं इस पॉइंट पे सिक्स, ओके? तो आप इसको किस फॉर्म में बेटा मेंशन कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ओके? तो क्यू के प्लेस पर आप क्या करोगे बेटा, सिक्स प्लस वन कर दोगे, तो सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। यहां तक बात समझ में आई? अब थ्री और फोर इस तरह से आप मेंशन करोगे, ठीक? अब फिर इस सेवन का मल्टीप्लाई थ्री में करोगे, डिनोमिनेटर पार्ट आपका वही होगा, जस्ट आप पीछे वाले से, इसके पीछे जो आप प्रीवियस में जो आपने पढ़ा है, जस्ट वही चीज है बेटा, वो एक बेसिक फंडामेंटल पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो बेसिक फंडामेंटल के बेस पर था। अब ये क्या है कि डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सेवन आया, सेवन थ्री क्या 21, 22 सेवन होगा, बात समझ गया? उसी तरह सेवन फोर क्या बेटा 28, 22 सेवन, इस तरीके से होगा। हम आ गए एकदम उसी पैटर्न पर आ गए जैसे अभी प्रीवियस टाइम, ओके? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इसको तब तक करते जाएंगे 22 बाई सेवन, 23 बाई सेवन, 24 बाई सेवन, 25 बाई सेवन, 26 बाई सेवन एंड 27 बाई सेवन। दे आर सिक्स डेसिमल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है? वे आर थ्री वैल्यू आपकी क्या बेटा 21 बाई सेवन, 4 की 2। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ओके? एक कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन, इसका जो हम लोग एक्सप्रेस किए हैं, जो मैंने एक्सप्रेस किया है, आप इसको पीछे वाले मेथड से देखो, एक वही मेथड है, उसका आप डायरेक्ट यहाँ इंप्लीमेंट करके इस तरह से भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको कैसे बेटा सॉल्व करोगे, बस फर्स्ट मेथड अगर यूज करोगे सॉल्यूशन आपका क्या होगा, फर्स्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा कैसे करोगे, यहाँ 3/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4/5, यहाँ पर देयर आर फाइव रेशनल नंबर्स, कितने देयर आर फाइव रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर है बेटा 5 रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर्स के लिए आप इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 रेशन कर दिए। इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसको और इसको प्लस करोगे, प्लस डिवाइड बाई 2 करोगे, तो यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, फिर इसके बाद आप इसको इसी तरह यूज करोगे, इस तरह से आप सारे के सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करोगे। सेकेंड मेथड जब यूज करोगे बेटा, मैं हिंट्स कर रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे, सेकेंड मेथड जब यूज करोगे बेटा, सेकंड मेथड जब यूज करोगे उसके लिए क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 5 है तो इसको सेकंड मेथड पर क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको क्या करना बेटा, मेंशन करना है। तो वेयर क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर 5 कैसे नंबर 5 को फाइंड आउट करना है, तो 5 प्लस 1 कर देंगे, तो 5 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ओके? तो इस 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा, 3/5, तो 6 का मल्टीप्लाई 3/5 में करेंगे और होल डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 3/5, 4/6 कुछ इस तरह से करेंगे इसके प्लेस पर, ओके? और इसके प्लेस पर क्या बेटा करेंगे, आप एरो नहीं बनाना, मैं समझने के लिए इसको बना रहा, ठीक है? इसके प्लेस पर बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4/5 × 6 / 6 ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, और यह इसके प्लेस पर क्या हो सॉल्व करोगे, तो 6 3 का बेटा 18 18/30 क्या आ जाएगा बेटा, 18/30, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 6 25 25/30 ऐसा होगा, ओके? अब इसको हम
18, 19, 20, 21 इस तरह से करते जाएंगे, 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30, ओके 1, 2, 3, 4, 23 बाई 30 इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे बेटा। ये 4 सिक्स जा सॉरी 25 का होकर यहाँ पर क्या आएगा बेटा 24 बाई